फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक बार फिर से आ चुकी है हमारे पास हिला महलन 450 जो कि बिल्कुल न्यू ब्रांड है, डायरेक्ट आई है, डायरेक्ट टू शोरूम, जो कि आपको पता ही हम लोगों का काम, हम किस तरीके से काम करते हैं। अब देख लो ये आपके सामने आ चुकी है, चीका भी लगा हुआ है, इधर रिबन भी लगा हुआ है और सामान धीरे धीरे इसका निकल चुका है। और आप इसके अंदर जो स्टार्टिंग कर चुके देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें लेमिनेशन होनी है। तो पता है नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन ऐसे ही करते हैं बिना खोले, हम देखो क्या करते हैं। पूरा पीछे का बैक साइड ओपन कर चुके हैं इसको। ओपन करने के बाद अब इसका पार्ट होगा अलग से आपका जो लेमिनेशन करेंगे, और जो फ्रंट का जो मरगार्ड है ना आपका, ये अभी के समय में देख लो आपको ये सब लगा हुआ ना, ये पूरा ओपन होगा। और ओपन होने के बाद इस पर भी पूरा खुल के लेमिनेशन होगी, और उसके बाद जो इसमें फॉग लैंप्स वगैरह जो लगने हैं ना, वो टैंक वगैरह खोलने के बाद, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग वगैरह, वो सारी चीज़ मैं डिटेलिंग में दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन होनी है और कर रहे हैं हम। अभी किसने जो चेकआउट कर लो, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है यहाँ पर जो आई है, और इसके बाद करते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कम्प्लीट और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसके अंदर काम हुआ है। टोटल ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको चैनल बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपके अपने राजू भाई को, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। स्टार्ट हो चुका है, अब देख सकते हैं इसके क्लैंप लग चुके हैं, फॉग लैंप लगनी बाकी है अभी, और बाकी क्रैश गार्ड लग चुका है इसके अंदर। इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी रेडिएटर गार्ड जो कि लग चुका है, नीचे सम गार्ड भी इसके इंस्टॉल हो चुका है। और अभी करते हैं इसकी वायरिंग का प्रोसेस शुरू, और काम कर रहे हैं हमारे गोलू भाई। कौन कर रहे हैं काम कर रहे हैं, शक्ल देखो इसकी, ये हमारा गोलू भाई। जब भी आपको मिलेगा ना, ये ऐसे मुस्कुराता मिलेगा, इसकी मुस्कुराहट मत जाइएगा, बहुत खतरनाक आदमी है ये। और तो देख सकते हैं पूरी गाड़ी खुल चुकी है, जो कि वायरिंग वगैरह इसके अंदर इंस्टॉल होगी, तो वो होगी आपकी अंडरग्राउंड। एयर आपकी टॉप प्लेट भी लग चुकी है, तो करते हैं पूरा वर्क स्टार्ट एंड कंप्लीटेड, एंड दिखाते हैं आपको वीडियो बने रहने के, पता ना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और श्री राजू भाई एसटीडी को। देख सकते हो इसके अंदर जो फॉग लैंप थी वो फिट कर दी गई है, टू फ्यूचर आई है विद हार्नेस जो कि इसने इंस्टॉल कर दी गई है। पहले इसकी लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको वायरिंग, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ आपको वायरिंग। देख सकते हो कहीं से भी आपको दिखेगी नहीं वायरिंग वगैरह कुछ भी, कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। और अब दिखाता हूँ आपको इस तरफ भी, और ये होती है आपके हार्नेस वाली, जिसमें आपको स्विच मिलता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। ऑन करेंगे तो अपनी ये फॉग लैंप ऑन हो गई, ये येलो हो गया, ये वाइट हो गया, येलो वाइट हो गया, ये आपका येलो हो गया, और ये ब्लिंकर, बहुत सारे पैटर्न्स के अंदर, ये मैं दिखाऊंगा फुल वीडियो के अंदर आपको। आप लुक चेक कर लो इसकी वायरिंग कहीं दिख रही है, कहीं भी नहीं दिख सकती इसकी वायरिंग, जो कि इसके अंदर की गई है प्रॉपर फिटमेंट। और इसके बाद जो हार्नेस होती है, उस हार्नेस की जो रिले है वो आ चुकी है आपकी इस तरफ, बैक साइड में अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। ये देखो कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ जुगाड़ किया गया इसके अंदर, ये प्रॉपर फिटमेंट वाली, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप करते हैं इसको फिट इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉल करके फिर दिखाते हैं गाड़ी कंप्लीट करके कि किस तरीके से ये काम हुआ हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि बिल्कुल न्यू ब्रांड बाइक आई थी हमारे पास, और इसके में जो मॉडिफिकेशन किए वो दिखा धीरे धीरे से दिखाया था कि उसमें क्या क्या करने वाले थे, वायरिंग चेकआउट कराए थे, कैसे करे, कैसे लगी, कैसे होती है इसके अंदर, जो कि आप देखते हो हिमालयन के अंदर। और अब दिखाया था ऑल अबाउट टोटल इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको लेमिनेशन, ये देख सकते हैं लेमिनेशन जो कि इसके अंदर कर दी गई है। और जैसे मैंने दिखाया था ना, पूरा खोल के करते हैं, तो पूरा मडगार्ड आगे का पीछे का पूरा खोल के करते हैं हम। और अब देखो इसकी फिनिशिंग, ये देखिए जैसी शोरूम से आती है डायरेक्ट वैसी मिलेगी आपको, वैसे वो डायरेक्ट शोरूम से ही थी, बट फिर भी हमेशा के लिए ऐसी रहने वाली है, क्योंकि इसमें हो चुकी है आपकी लेमिनेशन, जो कि मिलती है आपको थ्री लेयर वाली, ये आपकी इधर देखने मिलेगी आप। उसके बाद इधर आइए आप टैंक पर, ये भी देख लीजिए, ये देखिए ये इधर भी देखने को मिल जाएगी आपको, और ये होती है आपको प्रॉपर फिटमेंट वाली, ये देख सकते हैं आप। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार लगाइए और आपके आगे तक के लिए बाइक होगी आपकी पूरी सेफ। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कॉम्बो किट। कॉम्बो किट का महत्व सबसे ज़्यादा पता क्यों होता है, एक तो कम प्राइस में सारी चीज़ें आपकी लग जाती है बिना किसी टेंशन की। सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर, देख सकते हैं लगा चुके हैं इसके अंदर GPS माउंट, जो कि लग गया है इसके अंदर ब्लैक कलर का, ये देख सकते हैं डबल पाउडर कोटिंग के अंदर, ये इसके अंदर प्रॉपर फिटमेंट हो चुका है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर नीचे की तरफ, ये देखिए ये है इसकी रेडिएटर का जो कि लगा दिया गया है, नीचे मिलता है सम गार्ड जो कि लगा दिया गया इसके अंदर। और एक बार ऊपर दोबारा देखेंगे तो ये मिलेगी आपको मास्टर सिलेंडर कैप, ये आपकी चौथी आइटम होगी। और पाँचवीं फिर दिखाएंगे आपको मास्टर सिलेंडर कैप पीछे वाली, एक मिलती है आपको ये वाली, ये आपकी टोटल होगी सात आइटम है। और एक आपको मिलता है ये टॉप रैक प्लेट, ये है इसी कॉम्बो किट का पार्ट। और एक इसमें आती है हेडलाइट ग्रिल, जो कि भैया ने लगवाई, तो आठ टोटल इसके अंदर आठ पार्ट होते हैं आपके। अब मैं बताता हूँ कि यूज़ क्या हो क्या होता है। हेडलाइट ग्रिल जो लगी जो लगवाई नहीं भैया ने, उसका यूज़ होता है हेडलाइट सेव करने के, लुक भी नाइस हो जाती है। साथ में जो GPS माउंट है, मोबाइल होल्डर लगा सकते हो, GoPro लगा सकते हो, कुछ भी आप इसमें लगा कर ईजी टू राइड कर सकते हो अपनी बाइक के लिए। और इसके बाद आपको जो मास्टर सिलेंडर कैप है ना, इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है कि लुक भी नाइस हो जाती है, और साथ में ना लुक के साथ सेफ्टी भी मिल जाती है आपके मास्टर सिलेंडर के ऊपर वाले की। और इसके बाद आप अगर बात करें रेडिएटर गार्ड की, तो वैसे तो हम उन सबको पता ही है कि इससे रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ,
क्योंकि इसका जो सेंसिटिव पार्ट होता है ये होता है एल्यूमिनियम का, जैसे कि एसी वगैरह के अंदर उसी तरीके का ये रेडिएटर होता है, तो इसको सेव करने के लगाइए इसके अंदर रेडिएटर गार्ड। उसी तरीके से नीचे आपका जो ऑयल फिल्टर है उसको करता है सेव आपका ये सम गार्ड, जो कि आप देखने मिले मेटल का, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जो रियर मार्शल लाइटर कैप है ना, इससे मिलती है पूरी सेफ्टी पीछे की, जैसे कि आपका जो ये पार्ट होता है इसको करता पूरी तरह सेफ। इधर आपको प्लास्टिक का होता है पीछे वाला, तो ये भी होता है सेफ। और टॉप रैक प्लेट का पता ही आपको, जब ये लग जाती है ना तो समझ लो पूरी तरीके से हो जाती है आपकी सेफ्टी इसकी पीछे वाली, क्योंकि जो इसमें पीछे का पार्ट छोटा होता है प्लास्टिक का होता है उसे हटा के लग जाए, चाहो तो इसमें टॉप बॉक्स वगैरह आराम से इजीली रख सकते हो। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको, देखने में लगेगा इसका HJG के ओरिजिनल, HJG के ओरिजिनल मिलते हैं आपको टू फ्यूचर आई, और ये भी आपके विद हार्नेस, और ये आते हैं क्लैंप के, देखो क्लैंप लगा दिए गए हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी क्लैंप है जो किसी ने इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसकी आपको रोशनी विद हार्नेस वाली कैसी आती है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कैसे इसके अंदर लगा था, ये देखिए ये आपका हो गया येलो, ये हो गया वाइट, येलो वाइट। और अब दिखाता हूँ ब्लिंकर ही, देखिए ये आपका हो गया ब्लिंकर, साले देख तो ले आराम से, वीडियो बन रही है यूँ कर यार मादर चोद, देखा ये आपको मिल जाता है इसके अंदर ब्लिंकर। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ये आपका येलो पे भी ब्लिंक करेगा, और इसमें मिलते हैं 3 to 5 बटन इसके मिल जाते हैं, देख सकते हैं जितने मैं बटन ऑन ऑफ करूँगा सब ब्लिंक्स होते रहेंगे चेंज। और इसके बाद आपको मिलते हैं इसके अंदर वाइट, इसमें भी आपको मिलेंगे ब्लिंकर्स, तो इस सबके अंदर आपको ब्लिंकर पैटर्न मिलने वाले आपको आपकी इस बाइक के अंदर। और जो हार्नेस वाली लाइट होती है ना, इसका सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपकी बैटरी होती है पूरी तरीके से सेफ। और स्विच वगैरह मिलता है, देखो इधर आइए, ये स्विच आता है इसके अंदर कंपनी फिटेड, जो कि मिलेगा आपको इसके हार्नेस के अंदर ही, ये आपको मिल जाता है इसी के अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्रैश गार्ड, जो कि सबसे नीडफुल होता है जितनी भी नई बाइक्स होती है ना उनके अंदर सबसे मैंडेटरी होता है आपका क्रैश गार्ड, जो कि आपके टैंक्स को और आपके खुद के इलाक्स को करता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुल्ली प्रोटेक्ट करता है आपका। ड्यूल सिलेंडर होता है इसके अंदर एक ये और एक ये करता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट आपकी बाइक को। सेम इधर से और सेम मिलेगा आपको इस तरफ, देख सकते हैं दोनों तरफ देखने मिल जाएगा आपको। और ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है कि कभी भी कोई दिक्कत रहे तो आप चेंज भी करा सकते हो हमारे पास आकर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैक साइड के अंदर मिल जाता है सैडल स्टे। ये जो सैडल स्टे हैं, एक तो ना सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊँ उसका क्या क्या होता है, एक तो उसमें साथ साइड में मिलता है फुटरेस्ट बोले तो सामान वगैरह कैरी करता है ना, जब मैं टॉपर सैडल स्टे सैडल बैग वगैरह लगाता हूँ। सैडल बैग क्या होता है, अगर इसमें लगा रहता है ना आपका जो फुटरेस्ट होता है उसे उस पर टिका रहेगा, रुका रहेगा, कहीं भी आपका नीचे नहीं जाएगा, तो ये होता है उसका एडवांटेज। और सबसे बड़ी बात ये जो दिख रहे हैं ना आपको माउंट्स, ये है इसका जेरिकेन का माउंट जो कि इसके अंदर ही इंस्टॉल्ड है। एक के अंदर आपको तीन फीचर मिल जाते हैं, सैडल स्टे हो गया, जेरिकेन माउंट हो गया, प्लस इसके अंदर फुटरेस्ट भी इसके इनबिल्ड है जो कि हम देते हैं, भैया ने उतरवा दिया है बट आप लगवा सकते हो। सेम इधर मिलेगा, सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, और आप चाहो तो इसके अंदर भी लगवा सकते हो अपना, देख सकते हैं सेटअप पूरा रेडी है हमारे पास, टॉप बॉक्स हो पैनियर हो कुछ भी हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके अपनी शॉप पर सारा सामान आपको मिल जाता है इजीली अपनी शॉप पर। बाकी लोग क्या करते हैं, लोग तो बस दुकान तो खोल के बैठ गए पर काम क्या होता है उनका, एक एक चीज़ के लिए इधर भागो उधर भागो मंगाना पड़ता है। अपना स्टॉक की भरमार है, टॉप बॉक्स पैनियर इतनी भरमार है ना कि पता आपको पता है जब भी आते हो तो वैरायटी पूरी मिल जाती है मेरे पास। और मेरे पास हिमालयन के प्रॉपर फिटिंग वाला मिल जाएगा जिसमें आपको सिर्फ ये लगाना है सैडल स्टे, वो भी उसके साथ में आता है सैडल स्टे आपका क्या नाम है पैनियर के अंदर, वो मिल जाएगा प्रॉपर फिटिंग फॉर हिमालयन, ओनली फॉर हिमालयन, जिसमें कुछ नहीं करना, इजी टू फिटेड करो और डिटैचेबल होता है आपका टॉप बॉक्स, उठाइए लगा दीजिए, कोई एक्स्ट्रा फिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, देखा हमारे वजह शर्मा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है आर्मी में है तो भैया कह रहे हैं कि भैया हम तो आएंगे नहीं वीडियो में, नहीं तो भैया आना नहीं चाहते। तो बाकी आप देख सकते हो ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, बाकी भैया कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मज़ा आ गया काम कराकर, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी तरफ से बोल देना। और इसके बाद वो करना पता क्या ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें राजू भाई SKD को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री, गुड बाय।